यूपीएससी एग्जाम को ही लेके हमारे तीन डिमांड हैं। पहला डिमांड हमारा ये है कि जो यूपीएससी की जो अभी जो एग्जिस्टिंग जो एज और अटेम्प्ट है वो बढ़ाए जाए, जो दो साल जो है वो आयु के बढ़ाए जाए और दो अतिरिक्त मौके दिए जाए सभी के लिए। दूसरा हमारा डिमांड ये है कि जो वैकेंसियां जो 2013 से कम हो रही हैं, 2013 में कुछ 1300 वैकेंसी के आसपास थी, वो अब गिर के 2020 और 21 में कम से कम 700 के आसपास आ चुकी है, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आपकी खुद जो ग्रुप ए की सर्विसेज में 23,000 वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है और अभी एसएससी सीजीएल में भी हाल फिलहाल में 7,000 वैकेंसी से बढ़ाकर 40,000 वैकेंसी कर दिया गया है। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो कमेटियां एक कमेटी बनाई जाए जो कि 2010 के बाद जो भी सिलेबस में चेंज हुआ है जिसमें कि सीसैट पेपर का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा मेंस में जो हुआ, तो उस चीज में एक कमेटी बनाई जाए कि उनके ऊपर स्टूडेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अभी तीनों डिमांड जो है वो इस साल की जो राज्यसभा की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है 112वीं रिपोर्ट है जिसके चेयरमैन जो थे वो सुशील मोदी चेयरमैन है उसके, उन्होंने ये तीनों रिकमेंडेशन जो है वो डीओपीटी को दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे बार बार उन्होंने पिछले साल भी ये चीज जो एक कमेटी ने बोला था इस साल भी बोला है कि 2010 से जो भी सिस्टम है जो भी पैटर्न में चेंज हुआ है जो इंट्रोडक्शन हुआ है इसके कारण जो नॉन इंग्लिश और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि लवासा की रिपोर्ट आई हुई है कि 2014 के बाद से 61% जो है इंजीनियर का ज्यादा जो है वो भर्तियां हो रही है। हर साल यूपीएससी की जो एनुअल रिपोर्ट है इस साल भी आई हुई है, आप अगर पढ़ेंगे उसमें तो 75% जो है वो साइंस बैकग्राउंड के ही से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को फेवर करके जो दूसरा सेक्शन है वो एकदम डिसफेवर हो रहा है, स्पेशली जो नॉन इंग्लिश और जो नॉन हिंदी जो आपके नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं। इसी चीज में इस साल जो वैकेंसियां जो है वो 1300 के आसपास थी और ये जो घट के वो 700 आ गए। एक वैकेंसी अगर कम होती है तो एक सीट पे कम से कम 500 से 600 लड़के कम्पीट करते हैं, तो एक वैकेंसी कम होने का मतलब होता है कि प्रीलिम्स से कम से कम 700 लोग बाहर हो जा रहे हैं और आपके पास 23,000 वैकेंसियां खाली हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एसएससी जीडी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसी थी वो 7,000 से 40,000 बढ़ा दी गई है और इन्हीं चीजों को ही ध्यान रखते हुए जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बोली है और ये तीनों डिमांड हम जो है जो डीआरएससी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है हम जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके कारण अगर हम 1,000 की संख्या से ज्यादा अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं इस चीज में तो हम ये बात जो है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा पाएंगे। इसी संदर्भ में हम लोगों ने 26 तारीख को जो मां सत्याग्रह रखा है वो इसी संदर्भ में रखा है। सबसे बड़ी बात है कि पासवान कमेटी जो है उसने अपना रिकमेंडेशन सबमिट किया है डीओपीटी को और पासवान कमेटी का साफ सुथरा बोलना पड़ता है कि जो अभी जो आयु सीमा है उसको 28 करी जाए और जो अटेम्प्ट है उसको घटा के 4 किया जाए। अभी डीओपीटी इस सीट पे जब डीओपीटी से अभी जो पिछला जो सेशन हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन भी आया था जिसपे डीओपीटी ने ये बोला था कि हम इस पे चर्चा इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, चूंकि अभी इलेक्शन का टाइम है तो हम सबको पता है कि गवर्नमेंट अभी इस चीज को नहीं छूने वाली है, पर 2024 में जैसे ही ये गवर्नमेंट जो है अगर आएगी तो ये दोबारा जो है पासवान कमेटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए करेगी। जो भी हमारे मित्रगण हैं जिनका दूसरा तीसरा जो भी अटेम्प्ट है तो ये बात जो है बिल्कुल ध्यान रखने कि जब पासवान कमेटी की रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होगी तो मुश्किल से 1 साल का बफर पीरियड लेके सबको निपटा दिया जाएगा। और अभी चूंकि इलेक्शन का टाइम है तो कोई भी मैंने भी कभी नहीं देखा है कि प्रधानमंत्री रोजगार बांट रहे हैं, ठीक है 10 लाख वैकेंसी की बात की हुई है, ग्रुप ए जो यूपीएससी भर्ती करता है उसमें 23,000 वैकेंसियां हैं ग्रुप ए की और ये चीज क्यों नहीं भरी जा रही है। ये डिमांड हमारे ऊपर तक पहुंचे, बार बार पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात को रख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो रख रहा है कि 2017 या 16 में 16 से जो है वो हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट थे उनका लगातार जो है वो प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करे घटता जा रहा है। 2016-17 में कुछ 1200-1300 लोग जो थे वो मेंस लिख रहे होते थे, इस बार वो घट के 500 के आसपास आ चुके हैं। तो ये सब चीजों को ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बार बार इस चीज को संदर्भ में लिया है और इस पे सरकार को बोल रही है, मगर सरकार जो डीओपीटी जो है इस सीट पे अपना बैठी हुई है क्योंकि ग्राउंड से कोई आवाज नहीं उठ रही है, कोई चीज नहीं उठ रही है। अब इसी बीच में आता है कोरोना और कोरोना जो होता है वो 2 साल जो बचा हुआ जो अपॉर्चुनिटी था उसको भी खा जाता है। जिन्होंने अटेम्प्ट दिए उनके अटेम्प्ट चले गए, जिन्होंने नहीं दिए उनके आयु सीमा 2 साल की चली गई। अब इन्हीं चीजों को हम लोग ध्यान रखते हुए बात ऊपर तक बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे इस डिमांड को पूरा करें। 3 डिमांड हम लोग रखने वाले हैं, चूंकि वैकेंसियां बढ़ाई जा रही हैं सभी एग्जाम में बढ़ाई जा रही है तो यूपीएससी में क्यों ना बढ़ाई जाए। दूसरा है कमेटी बनाई जाए जो कि इस चीज पे इम्पैक्ट करे, जो कि बोला भी गया है पासवान कमेटी पे, डीओपीटी ने बोला भी कि हमने पासवान कमेटी बनाई है, पर राज्यसभा की कमेटी का बोलना बनता है कि पासवान कमेटी आपने इस चीज के लिए नहीं बनाई है, तो आप एक कमेटी बनाए कि स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली ये तो सुसाइड का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था और जो मेंस में जो भी जिस तरीके से भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो चेंज होता रहा इन सालों में उस पर स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो स्टडी करी जाए। तो हम लोग भी इन डिमांड को ऊपर रखना चाहते हैं। हम लोग पिछले 2 महीने से हम लोग आप लोगों की तरह कैबिनेट है, पिछले 2 महीने से हम लोग इस सीट से हम लोगों को मंच तैयार किया है कि हम लोग इस चीज में करें। इस बार हम लोग 26 तारीख से एक महासत्याग्रह कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में,
ओल्ड आजिंदा नगर इसलिए क्योंकि मुखर्जी नगर भी करना चाह रहे थे, पर मुखर्जी नगर में हमें परमिशन नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोग ओल्ड आजिंदा नगर में ही इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि हम भारी मात्रा में अगर अपनी आवाज को उठा सकें। हम लोग अग्निवीर की तरह तो नहीं प्रदर्शन कर सकते क्योंकि हम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, पर हम लोग अगर जो 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 बात जो एक मॉरल वैल्यू जो होती है जो सत्याग्रह में होती है वो कभी भी वायलेंस में नहीं होती है, और वो बात बहुत जल्दी सुनी भी जाती है। तो हम अपनी बात उठाने के लिए मगर हमें चाहिए संख्या बल। हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पहला दूसरा टाइम भी है, अगर वो भी एक बात समझ लें कि पासवान कमेटी जब करेगा तो उन सबको भी वही नुकसान होना है जो नुकसान आज का जिसका चौथा पांचवा अटेम्प्ट है उनको लग रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि ये हमारे पास जो अटेम्प्ट बचे हैं अपना पढ़ाई कर लेते हैं बाकी लोग देख लेंगे। 2014 में भी जब हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी तो हमारा 4 से 6 किया गया था। इस बार जो मौका है इस मौके को अगर हमने गवाया तो कल को अगर बागवान अगर कमेटी अपना इम्प्लीमेंट करती है तो नुकसान हम लोगों को ही होने वाला है। तो इसलिए अभी ये मौका है, हम लोग इस मौके को अगर अपने अपने फेवर में इस्तेमाल करें, जो हमारे साथ इनजस्टिस पिछले 6-7 साल से हो रहा है वो चीज हम लोग कम कर सकें। तो जो भी स्टूडेंट अगर जिनको लगता है कि ये बात जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती है, क्योंकि ऊपर तक बात पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जमीन से आवाज उठाना। जमीन से आवाज उठेगी, अभी के टाइम पे इलेक्शन का समय है, गवर्नमेंट कोई भी बात जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाएगी। एसएससी जीडी वाले जो थे अपना नागपुर से पैदल चले थे, जो है दिल्ली तक अपना 1500 किलोमीटर का उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था, 3 साल का उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। एसएससी सीजीएल वालों ने जो अपनी डिमांड उठाई थी थोड़ी सी छोटी सी उठाई थी तो उनके कारण ये वैकेंसियां उसे बढ़ा दी गई है। यूपीएससी वालों को अब चांस नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इस आवाज को उठाना चाहिए। बिना बोले पार्लियामेंट हमारे बारे में बात कर रहा है, हम पार्लियामेंट के पास नहीं कहते कि सुशील मोदी सर हमारे बारे में बात करें, मगर अगर एग्जीक्यूटिव से काम कराना है स्पेशली प्रधानमंत्री कार्यालय से तो आपको आवाज हम लोगों को मिलकर उठानी पड़ेगी। जितना संख्या बल रहेगा उतनी जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जो जुड़ सकते हैं, एक बार अपना नाम भी लिखवा दें, हाथ उठा सकते हैं कहाँ बिता दें, ताकि हमें भी पता चल सके कि बाकी लोगों को इस बात पे कितना मतलब गौरतलब है। क्योंकि ये बात जो है हम नहीं कह रहे, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है, हम तो सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। एक मिनट सर वीडियो करूँगा।